अच्छा कोई दिक्कत दिए गए सामान जिस गाड़ी से बरामद किए गए थे उस गाड़ी का चालक गिरफ्तार हुआ। इसमें पिरभोर थाना पुलिस के द्वारा चोरी की घटना में शामिल व्यक्तियों के निशानदेही पर उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हथियार की बरामदगी भारी मात्रा में हुई है। आर उसके मामले में तो अभी रोहित ही गिरफ्तार हुआ है, रोशन फरार, और रोहित ने बताया कि हम रोशन के घर से हथियार लेते हैं। अमरूप कुमार के बयान के आधार पर पिरभोर थाना की पुलिस के द्वारा छापेमारी किया गया। रोशन कुमार के घर पर बड़ी मात्रा में हथियार इनके पास बरामद अगर हुआ है तो इनका कोई बड़ा गिरोह है। बढ़ते ही चोरी की मामलों में इजाफा राजधानी में देखने को मिल रहा है। ताजा मामला पिरभोर थाना अंतर्गत का है, जहां पर बीते दिनों दो दुकानदारों के दुकान में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें इसमें 5 चोर थे, 1 चालक और 3 दुकानदारों को, जिसने दुकानदारों को बेचा था सामान उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिरभोर थाना से पूछताछ में चोरों ने यह भी गछा है कि वह किराए पे असला लेकर के दुकान में चोरी के लिए जाते थे। और यहाँ पर क्या जानकारी दे रहे हैं टाउन DSP, जरा देखें। पिरभोर थाना पुलिस के द्वारा चोरी की घटना में शामिल व्यक्तियों के निशानदेही पर उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हथियार की बरामदगी भारी मात्रा में हुई है। जकनपुर एरिया में रोशन के घर से हुआ है, और रोहित ने बताया कि हम रोशन के घर से हथियार लेते हैं हम लोग, और फिर चोरी की घटना करने वाले चोरों को हम लोग देते भी हैं, वे हम लोग उसे भाड़े पर भी लेते हैं, और चोरी घटना को अंजाम वे लोग देते हैं, हम लोग उसे हथियार ही लोग लेते थे, जैसा कि रोहित ने बताया है। कि रोहित ने भी बताया कि हमारे यहाँ से और रोशन के यहाँ से हथियार चोर लोग ले जाते हैं, भाड़े पर भी ले जाते हैं, और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के पश्चात वे लोग फिर हथियार को दे देते हैं। कितने में भाड़े पर लेते थे? अब ये भाड़ा पर कितना लेते थे तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि रोहित ने बताया कि हम लोग रोशन के यहाँ से हथियार लाते थे और चोरी की घटना को कारित करने में उन हथियारों को हम लोग देते थे, और उन हथियारों के माध्यम से चोरी की घटना को कारित किया जाता था। ये सब बातें आ रही हैं इसमें। तो इसमें जो गिरोह आर्म्स सप्लायर के रूप में भी ये गिरोह आ सकता है कि इनका आर्म्स सप्लाई में भी कुछ ना कुछ ये हाथ होगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी है इस मामले में? आर्म्स के मामले में तो अभी रोहित ही गिरफ्तार हुआ है, रोशन फरार है। बरामदगी 10 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें कि 1 रोहित के पास से बरामद हुआ और बाकी 9 हथियार रोशन के घर से बरामद हुआ है, जिसमें कि 2 हथियार इफेक्टिव है और जो रोशन के घर से बरामद हुआ है, और 7 हथियार जो है वह जंग लगे हुए हैं, और जो रोहित के पास से बरामद हुआ है वो भी हथियार इफेक्टिव है, प्रभावकारी। मार्केट में ये दुकान है बिरला मंदिर रोड में, ज्योति सिंथेटिक्स दुकान है, वहाँ से चोरी हुई थी, गृहभेदन हुआ था, और एक दूसरा कांड दर्ज किया गया है पिरभोर थाना अंतर्गत सस्ता खादी भंडार जो अशोक राजपथ में। ये इन दोनों दुकानों से भारी मात्रा में बड़े मात्रा में कपड़ों की चोरी की गई थी। जो सस्ता खादी भंडार अशोक राजपथ में है, इसके एक स्टाफ ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था, और उसकी निशानदेही पर बहुत सारे इसमें मुदाले पकड़े गए हैं, चोर पकड़े गए हैं, और फिर हम लोग चोरी गए सामानों की बरामदगी करने में सफल हुए हैं। सबसे पहले चोरी गए सामान जिस गाड़ी से बरामद किए गए थे उस गाड़ी का चालक गिरफ्तार हुआ, और चालक ने बताया कि हमको रितुल कुमार ने बुलाया था, हमारी गाड़ी को भाड़ा में लिया था, और रितुल कुमार उसकी निशानदेही पर रितुल कुमार की गिरफ्तारी हुई, और रितुल कुमार जब गिरफ्तार हुए तो उनका भी स्वीकारोक्ति बयान हम लोग लिए, और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इसमें और भी जो लोग शामिल थे गिरफ्तार किए गए, और चोरी गए सामानों की बरामदगी भी पिरभोर थाना पुलिस के द्वारा कर लिया गया। इसमें पिरभोर थाना पुलिस के 3-4 पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, वे प्रशंसा के पात्र हैं। PSI तफजील अहमद, विकास शर्मा, कोमल कुमारी,
और शुभम कुमार, इन चारों पीएसआई के द्वारा प्रशंसनीय हथियार की रिकवरी हुई है, वो कैसे हुई, किसके बयान पर हुई है वो? हाँ, हथियार की रिकवरी हुई है रोहित कुमार, इसमें गिरफ्तार किए गए। एक चोर ने बताया कि रोहित कुमार भी इस चोरी की घटना में शामिल हैं, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। रोहित कुमार हथियार के साथ पकड़े गए थे, और रोहित कुमार ने बताया कि हम रोशन कुमार के घर में हथियार छिपा करके रखा गया है, वहां पर जाने से रोशन कुमार के हथियार की बरामदगी हो सकती है। तो रोहित कुमार के बयान के आधार पर पिरोहर थाना के पुलिस के द्वारा छापेमारी किया गया रोशन कुमार के घर पर आज सुबह में, और रोशन कुमार के घर से 9 हथियार पकड़े गए हैं, जब्त किए गए हैं, जिसमें कि 2 कारगर हैं और बाकी 7 पुराने जंग लगे हुए हैं। एक हथियार रोहित कुमार के पास से भी बरामद हुआ है, जो कि इफेक्टिव है, और उसके अंदर गोली भी बरामद हुई है। ये हथियार चोरी के हैं या अभी तो ये अनुसंधान में आएगा, जांच में आएगा कि इन हथियारों को कहाँ से लाया गया था, चोरी के माध्यम करके लाया गया था, या फिर कहीं से ये तस्करी का धंधा इनके द्वारा किया जा रहा है, ये अनुसंधान में आएगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि भारी मात्रा में हथियार इनके पास से बरामद अगर हुआ है तो इनका कोई बड़ा गिरोह है, और ये या तो तस्करी करते होंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सर, ये पता चला है कि बात भी सही है कि इन चोरों के द्वारा रोहित को उपयोग में लाया जाता था, और रोहित को भी इसमें शामिल कराया जाता था। रोहित के हथियार को भी यूज किया गया है चोरी की घटना को कारित करने में, और रोहित का ही दोस्त है रोशन, जहां से कि रोहित ने रोशन के घर से हथियार लिया था। जैसा कि चोरी दो दुकानों से हुई है, एक सस्ता खादी भंडार अशोक राजपथ में है, इनके यहाँ चोरी हुई है। लगभग इनके यहाँ से 15 लाख रुपये के कपड़ों की चोरी हुई है सस्ता खादी भंडार अशोक राजपथ से। और एक और दुकान सिंथेटिक्स, इनके यहाँ से भी 12 गांठ कपड़े की चोरी हुई है, जिसका कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। तो 15 और 3 18 लाख कीमत के सामान चोरी हुए थे, कपड़े चोरी हुए थे, जिसमें से कि लगभग 4 लाख के आसपास का कपड़ा बरामद कर लिया गया है। चोरी हुआ था 25 जनवरी को चोरी की घटना हुई है रात में, 25 और 26 जनवरी की रात्रि में हुई है, जो कि सस्ता खादी भंडार अशोक राजपथ में है। और दूसरी घटना हुई है 21 नवंबर को, जो कि ज्योति सिंथेटिक्स कपड़ा का दुकान है, बिरला मंदिर के रास्ते में है, दो दुकानों से चोरी हुई थी, दुकानदार भी गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, इसमें चोरों ने जिन लड़कों को या दुकान वालों को, वे लड़के भी गिरफ्तार इसमें कर लिए गए। जाहिर सी बात है कि टाउन डीएसपी ने साफ तरीके से कहा है कि 10 असले को बरामद किया गया है जक्कनपुर थाना अंतर्गत, और 10 अपराधियों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे में न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तमाम ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।